और जिस दिन इनको हक अधिकार मिल गए तो लुटेरों का तो राज ही खत्म हो जाएगा। तो केजरीवाल एक नंबर धोखेबाज, जिसने कहा मैं अंबेडकर को मानता हूँ। अगर अंबेडकर को मानता है तो तुझे लक्ष्मी गणेश कहाँ से याद आ गए? देखिए, पहले मैं जो है आपको ये NDMC के जो है कार्यकर्ता है इनसे जो मैं आपकी बातचीत कराती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपना वक्तव्य रखूंगी, तो कृपया इनसे। समस्या ये है कि हम लोगों की उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, किसी किसी की तो 55 साल की उम्र हो चुकी है, और सभी विभागों के व्यक्ति जो कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2014 से तो NDMC में नियुक्ति की नहीं गई है किसी की भी, उनको टेम्परेरली मस्टर रोल पर रखा गया है और आज तक उनको पक्की नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद NDMC प्रशासन करेगा सर हमें परमानेंट। अच्छा, परमानेंट। हाँ जी, हाँ जी, हमें क्योंकि आज की महंगाई के दौर में हमें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और वो हमें सिर्फ 89 डेज या 29 डेज देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है और सेक्शन देने के नाम पर हमें दिया ही नहीं जाता सेक्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमारी जो श्री सिंधु खुल्लर की नीति है वो ये कहती है कि जिन भी TMR के 500 दिन पूरे हो गए हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए, उनके 500 डेज 5 साल में पूरे कर दिए गए उनको परमानेंट कर दिया जाए, तो ये नीति हम मांग। प्रशासन क्या कर रहा है बातचीत? प्रशासन इसमें ढुलमुल की रीति अपनाता है। डायरेक्टर साहब ये कहते हैं कि हमें TMR की जरूरत ही नहीं है। हमारा ये काम होता है सभी डिपार्टमेंट में होता है, 4th क्लास में, हॉर्टिकल्चर में और इलेक्ट्रिशियन में है, सारे काम हम लोग देखते हैं, सभी विभागों में काम है हमारा। नहीं जी, समस्या तो कोई सॉल्व नहीं होनी, कितने भी चुनाव आप करा लीजिएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री आ जाएं, चाहे केजरीवाल जी दोबारा जो है आपके मुख्यमंत्री बन जाएं, समस्या जो है दूर नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये कमेरा वर्ग शोषित रहेगा, वंचित रहेगा, तब तक ये लोग राज कर पाएंगे, लुटेरा वर्ग। और जिस दिन इनको हक अधिकार मिल गए तो लुटेरों का तो राज ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसे कैसे इनको अधिकार मिल जाए? बिल्कुल लुटेरे हैं। आपने देखिए ना, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला कितनी तरक्की कर रहे हैं एकदम से, और ये लोग कह रहे हैं भाई हमें तो जो है 90 दिन के बाद, मतलब इनके बच्चे 90 दिन खाना खाएंगे और उसके बाद जो है 365 दिन के बाद इनके जो है बच्चे उस 90 दिन के खाने को पचाएंगे, है ना। और नेता के लोग, नेताओं के बच्चे, वो तो जो है ना जो है उनके लिए तो 5 साल में नेता लोग इतना उनकी 5 पीढ़ियों तक का जोड़ के चले जाते हैं, तो उनके बच्चे तो इतने भूखे रहते हैं बेचारे, इतने कुपोषण के जो है ना शिकार रहते हैं बेचारे, शिक्षा से वंचित रहते हैं, कि उनको तो नेता बनते ही धन जो है लूटने की जो है सारी नीतियाँ बनानी पड़ती है। और ये जो कमेरा वर्ग है इनको तो बस 90 दिन का रोजगार दो, इनसे इनकी चमड़ी इतनी मोटी मोटी इनकी खाले, इनसे काम कराओ और इनको निचोड़ो और जो है फिर अपने बच्चों को ये ताकि खिला सके। बेचारे जो है वो पतले से हैं बेचारे, जो हैं वो जो है ना पोषण रहित हैं बेचारे, अशिक्षित हैं बेचारों के पास रोजगार नहीं है, तो इसीलिए जो है इनको रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार कोई जरूरत समझती नहीं है। केजरीवाल एक नंबर धोखेबाज, जिसने कहा मैं अंबेडकर को मानता हूँ। अगर अंबेडकर को मानता है तो तुझे लक्ष्मी गणेश कहाँ से याद आ गए? ठीक है, इसी तरीके की दोहरी नीति शिक्षा के साथ हमारे देश में खेली जाती है, इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे कर्मचारियों के साथ जो है चली जाती है, इसी प्रकार की दोहरी नीति हमारे सारे विभागों में चली जाती है। तो मैं, हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, सबूत आपके सामने है कि अंबेडकर की फोटो पीछे लगा और उसके विचारों का मानो नहीं, तो मतलब हमारे लोगों का तो इन्हें वोट चाहिए होती है। समाज का एक नेता एक कबूतर पकड़ लिया और सारे समाज के वोट ले लिए और फिर उनकी नौकरी भी खा जाओ, उनकी शिक्षा का बजट भी खा जाओ, उनका स्वास्थ्य का बजट भी खा जाओ, उनका जो है सारे हक अधिकार खा जाओ, ये नेताओं की पॉलिसी रहती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि केजरीवाल जी अपने बेटा और बेटी को इंजीनियर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो एक मंदिर खोल के अपनी बेटी और अपने बेटा को पढ़ा बिठा दो वहाँ पर, अगर वो बैठ जाएंगे तो हम लक्ष्मी गणेश को मान जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी हमें ये एफिडेविट दे कि वो पढ़ेगी नहीं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा ही करके लक्ष्मी कमाएगी।
धन कमाएगी तो हम माने भी। आपके पास कैमरा, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास जो है जनता को जागरूक करने की सारी सुविधाएं है। सोनिया विहार के स्कूल में चले जाओ, पुष्टा 5 में, एक स्कूल में 12,000 बच्चे, इवनिंग में जो है 5,500 लड़के, मॉर्निंग में जो है 6,000 के करीब लड़कियां, 9वीं की लड़कियों के लिए बैठने के लिए क्लासें नहीं है, वो जाती है B1 यमुना विहार के स्कूल में पढ़ने के लिए रोज, और 6ठी 7वीं की लड़कियां जो है 2.5 घंटे सुबह पढ़ती हैं, फिर दूसरे लंच के बाद 2.5 घंटे 9वीं और 11वीं के बच्चे आके पढ़ते हैं, तो 2.5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। अगर ये वाला मीडिया दिखा दे, ये बड़े बड़े चैनल उसी स्कूल को ले ले पकड़ ले, तो मैं कह रही हूँ कि जनता को उसके केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, मनीष सिसोदिया को उसके कॉलर से पकड़ के और सोनिया विहार के स्कूल में खड़ा करके, और तब पूछना चाहिए कि बता इस 60 कमरों में जहां प्रिंसिपल भी बैठता है, जहां पे क्लर्क भी बैठते हैं, वहां पे 12,000 बच्चा कैसे बैठ सकता है, तू हमें बिठा के दिखा। एक हाँ लुटेरे हैं, लुटेरे लुटेरे झूठ नहीं बोलेंगे तो लूटेंगे कैसे, और ये जनता, ये बिचारी जनता, इसको जितना भूखा रखेंगे उतने लुटेरा राज करेंगे। इसीलिए ये लोग जो है चुनावों के दौरान में, एक काम वाली कहती है कि अब बीवी जी 1,000 का सिलेंडर, 40-45 रुपए का आटा कैसे खिलाएं। मैं कहा जब वोट आती है, वोट का टाइम आता है चुनाव का, तब तो आप एक सिलेंडर में 1,000 रुपए में अपनी वोट बेच देते हो, वो पैसा भी तो कहीं से निकालना है, वो पैसा तुम्हारे आटे में से निकलेगा, तुम्हारे तेल में से निकलेगा और तुम्हारे गैस सिलेंडर में से निकलेगा। मैंने कहा कि तुम जब तक चुनावों में आओ, नोट लो, जो ये बांट रहे हैं वो लो, क्योंकि टैक्स किसका है, कमेरे वर्ग का टैक्स है। काम कौन करता है, कमेरा वर्ग करते हैं। ऊपर वाले तो क्या करते हैं, ऊपर वाले तो ऑर्डर जमाते हैं, ओए फोर्थ क्लास इधर चल पानी लेके आ मेरे लिए, ये फाइल क्यों नहीं गई इधर, और थर्ड क्लास को कहते हैं क्यों नहीं ये काम किया, चलो जाके काम करो, और वो तो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, चाहे लेटरल एंट्री ले लो। केजरीवाल ने सारे लाला भर दिए बिना इंटरव्यू के, बिना रिटर्न एग्जाम के, और हमारा एक आध IAS गलती से लग भी जाए, रोमन सैनिक का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मेरे समाज से आता है, उस बंदे ने क्या किया, छोटी उम्र में ही उसने एम से MBBS कर लिया, क्लियर हो गया उसका, उसने क्या किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, छोटी उम्र में ही, फिर वो IAS भी बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। लेकिन आपको पता है छोटी उम्र में जो IAS बनता है उसे कैबिनेट में जो है फिर जो है स्थान देना पड़ता है, लेकिन वो बैकवर्ड कैटेगरी से OBC से है, इसीलिए उसे बहका के IAS से रेजिग्नेशन दिला के उसको कुछ और लालच दे के अन अकेडमी का जो है डायरेक्टर बना देंगे, ये करके उसकी वो पोस्ट खाली करवा दी, ताकि बैकवर्ड का SC का ST का कैबिनेट में जाना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर योजनाएँ बनती है लूट खसोट की। देखिए अगर जनता बड़ी बड़ी, अगर बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़ दो आप, तो बहुत सारे कैंडिडेट हर वार्ड में खड़े होते हैं, जो आपका SC ST OBC जो आपका जानकार खड़ा हुआ है और जो पढ़ा लिखा है, मतलब समझदार है, दूसरों के लिए काम करता है, उसको वोट करो ना आप, जरूरी थोड़ा ना TV में देखे। नहीं नहीं, देखिए आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात बताइए, समाज के लिए। मैं एक परमानेंट शिक्षिका थी, 90,000 में तब ले रही थी जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो आज तो पता नहीं कितनी तनख्वाह हो रही होगी मेरी। तो मैंने नौकरी छोड़ी, मैं तो भागवत गीता नहीं पढ़ रही ना, चुने क्या महात्मा ज्योतिबा फुले को किसी ने MP MLA बनाया था, नहीं बनाया, लेकिन वो एक ऐसी क्रांति लेके आए, वो ऐसी शिक्षा की लो इन्होंने जगाई कि आज मेरा SC ST महिलाएं पढ़ पा रही है। तो हमें क्रांति लानी है, हमें MP बने, MLA बने ना बने, लेकिन वोट हमारी है, आज ना कल हमारे लोग समझेंगे और हमें जो है सत्ता हाथ में देंगे।